हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द गिकी मॉग में। दोस्तों मेरे पास है रेडमी नोट 7 प्रो और साथ ही साथ में पोको F1। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनका एक्सट्रीम स्पीड टेस्ट और साथ ही साथ में एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट भी करेंगे। अब आप लोग में से काफी लोग ये सोचेंगे भाई एंटूटू बेंचमार्क में तो पोको F1 निकल ही जाता है आगे, लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे जो एंटूटू बेंचमार्क्स होते हैं उसके भी अलग अलग स्कोर्स होते हैं, जैसे कि सीपीयू का स्कोर अलग होता है, जीपीयू का स्कोर अलग होता है। तो एक ऐसा जो है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है जो मुझे आप लोगों को दिखाना है कि भाई Redmi Note 7 Pro किस मामले में Poco F1 से ज्यादा बेहतर साबित होता है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर में। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो हम लोग स्पीड टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग बहुत अलग अलग हम लोग एप्स को हम लोग ओपन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऐप है जिसके अंदर Redmi Note 7 Pro Poco F1 को पिछाड़ देता है। तो चलिए दोस्तों फिर करते हैं हम लोग स्टार्ट। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आप लोग से यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भाई हमारे चैनल पे चल रहा है Redmi Note 7 Pro का गिव अवे, तो मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है Redmi Note 7 Pro के गिव अवे में। तो भाई उस वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो भाई इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप पार्टिसिपेट जरूर कर आप लेना Redmi Note 7 Pro के गिव अवे में। और साथ ही साथ में जिन्होंने वीडियो देखी हुई उनको तो पता ही भाई वीडियो को शेयर जरूर से जरूर आप कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास Redmi Note 7 Pro और साथ में है भाई Poco F1। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम लोग करेंगे ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट, मतलब कि कौन से फ़ोन में सबसे पहले ऐप्स ओपन होते हैं ये हम पहले चेक करेंगे। तो भाई हमने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऐप्स लिए हैं जिन पे हम ये टेस्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम एक्चुअल में करेंगे काइनमास्टर का टेस्ट, मतलब कि काइनमास्टर में जो वीडियो कंपेबिलिटी है किस में सबसे ज़्यादा बेटर है, और साथ ही साथ में कौन से फ़ोन में सबसे पहले वीडियो एक्सपोर्ट होती है, और उसके बाद भाई एंटूटू बेंचमार्क स्कोर वाला, उसमें तो भाई बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है। बिलीव मी आप लोग के लिए वो भाई देखना बनता है, उसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कुछ पर्टिकुलर ऐप्स हैं जो यहाँ पे मैंने दोनों ही पर्टिकुलर फ़ोन में डाउनलोड करके रखे हैं। तो हम देखेंगे कि भाई कौन से ऐप पहले ओपन करते हैं। पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन रन कर रही हैं उनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखिए पहले काइनमास्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको F1 ने थोड़ा सा पहले यहाँ पे ओपन किया है Redmi Note 7 Pro से, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, दोस्तों यहाँ पे भाई सबवे सफर पहले फ्लैश हुआ था पोको F1 में, लेकिन पूरा ऐप ओपन हुआ सबसे पहले Redmi Note 7 Pro में। तो ये भाई बहुत ही बढ़िया बात ही, देखते हैं YouTube में कौन सबसे पहले ओपन होता है। तो भाई यहाँ पे भाई पोको F1 हल्का सा कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड पहले जो है ओपन हो गया। तो भाई इसके बाद भाई पबजी की बारी आती है। तो भाई पबजी का तो टेस्ट बनता, जनता इस पे लाइक तो बनता, तो भाई लाइक दे दीजिएगा। तो देखते हैं भाई सबसे पहले फ्लैश हुआ है पोको F1, लेकिन देखते हैं पूरा एप्लीकेशन ओपन किस में होता है, Redmi Note 7 Pro में या फिर पोको F1 में। इंटरेस्टिंग होगा देखना। यहाँ पे भाई Redmi Note 7 Pro टक्कर देता हुआ Poco F1 को, देखते हैं भाई इसमें कौन आगे निकलता है, लेट्स सी। ओ भाई एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अरे भाई यहाँ पे तो लेट्स सी। ओ माय गॉड दोस्तों, भाई यहाँ पे Redmi Note 7 Pro भाई जीतता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने शुरुआत में नहीं बताई, Redmi Note 7 Pro जो मेरे पास है उसमें 4GB की रैम है, और वहीं भाई Poco F1 में 6GB की रैम है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ कंसीडरिंग होती है। देखते हैं Amazon पहले कौन ओपन होता है, तो इसमें भाई Poco F1 जीत गया। लेकिन PUBG का रिजल्ट देख के तो मैं एकदम शॉकिंग था मेरे लिए भाई, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों आप एंटूटू बेंचमार्क का भी देख लेते हैं, इसमें भी भाई Poco F1 यहाँ पे जीत गया। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यार Redmi Note 7 Pro में मैंने 4GB की रैम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक उसने परफॉर्म किया। देखते हैं रैम मैनेजमेंट में किसका बढ़िया है। दोनों में ही काइनमास्टर ओपन था, ये तो भाई अच्छी बात है। इसमें भी भाई दोनों में ही ओपन था, ये भी एक अच्छी बात है। रैम मैनेजमेंट दोनों का सही ये लग रहा है, दोनों में भाई MIUI 10 ही रन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं भाई दोनों में लमसम में सही है। पबजी देख लेते हैं, दोनों में ही पबजी बैकग्राउंड में रन कर रहा था, ये भी एक अच्छी बात है। लेट्स सी अबाउट Amazon, हाँ तो भाई ये भी जो है ठीक था। Antutu बेंचमार्क को मैं देखता हूँ, ये भी भाई ठीक था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई जो रैम मैनेजमेंट है दोनों की बराबर है, बल्कि सेम है, अच्छी है।
दोस्तों आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि Redmi Note 7 Pro इसलिए भी परचेस करना चाहते होंगे कि भाई उसके अंदर वीडियो एडिटिंग और वीडियो शूट वगैरह कैसा होता है। तो भाई वीडियो शूट तो मैं आपको कैमरे में जब मैं कैमरा कंपेरिजन करूंगा तो उसमें दिखा दूंगा, अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ भैया वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग की जो कैपेबिलिटीज़ है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई Redmi Note 7 Pro के अंदर वो जो है मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो एक्सपोर्ट कर सकता है वो है 1440p यानी कि क्वाड HD का, और वहीं Poco F1 में भाई 4K वीडियो वो एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पे वीडियो लेयर्स की बात करते हैं कि मतलब वीडियो के ऊपर कितनी वीडियोज़ आप लगा सकते हैं, तो वहाँ पे भाई Redmi Note 7 Pro 3 वीडियो क्वाड HD क्वालिटी की वो लेयर में लगा सकता है, प्लस 7 वीडियो 1080p की वो लगा सकता है, प्लस दोस्तों यहाँ पे 8 वीडियो 720p की वो यहाँ पे लेयर्स में लगा सकता है। वहीं भाई Poco F1 में आप देख सकते हैं केवल एक वीडियो वो एक्चुअल में लगा सकता है 4K की, बाकी 4 वीडियो 1080p की और 4 वीडियो 720p की। तो भाई उसके अंदर आपको कोई भी क्वाड HD का कोई भी आपको वीडियो लेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है भैया Redmi Note 7 Pro की। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि जब हम वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम वीडियो को रेंडर करते हैं, तब कौन सा पर्टिकुलर फ़ोन है जो कि ज़्यादा टाइम लगाता है वीडियो को एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार बैक करके हम चले जाते हैं वीडियो, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भाई मैं सेम रिजोल्यूशन में और सेम चीज़ें ही मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा, तो जो यहाँ पे हमें जो है पिक्चर्स हमें काइनमास्टर के अंदर मिलती है मैं उसी को सबको एक एक करके मैं सबको लाइन में लगा ले रहा हूँ, ताकि जो वीडियो की लेंथ है वो एक्चुअल में होगी सेम, और साथ ही साथ में क्वालिटी वगैरह भी मैं रखूँगा सेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अब जो है यहाँ पे भाई ध्यान देने वाली बात ये है कि हम दोनों ही फ़ोन में सेम क्वालिटी में वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro में मैंने क्वाड HD में है और 30 FPS पे ये जो है पर्टिकुलर वीडियो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और सेम चीज़ मैं Poco में भी करता हूँ, मैंने क्वाड HD में मैं इसको भी कर देता हूँ और साथ ही साथ में 30 FPS पे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, और साथ ही साथ में जो ना बिट रेट को भी मैंने बराबर रखा है। तो भाई यहाँ पे हमने कर दी वीडियो एक्सपोर्ट, देखते हैं भाई दोनों में से कौन से फ़ोन में पहले वीडियो एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो शुरुआत में तो दोनों लोग बराबर थे, लेकिन अब भाई Poco F1 थोड़ा सा जो है ज़्यादा लीड ले चुका है। तो फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे भाई Poco F1 अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर चुका है और Redmi Note 7 Pro हल्का सा पीछे है उससे। तो भाई यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन 675 वाले प्रोसेसर में भाई कितने का अंतर आता है। दोस्तों यहाँ पे मेन बात आती है ना कि जो इसका GPU है Redmi Note 7 Pro का वो भी थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू Poco F1। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भाई कहीं जाइए नहीं, क्योंकि अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ ना आपको वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं Antutu बेंचमार्क स्कोर टेस्ट करने वाला हूँ और बिलीव मी डिटेल्ड हम जो है जाएंगे कि भाई कौन सी चीज़ में कौन सा पर्टिकुलर स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है Antutu बेंचमार्क ऐप और यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे दोनों ही पर्टिकुलर डिवाइस को, एंड बिलीव मी जो यहाँ पे CPU, GPU और दूसरे अलग अलग स्कोर्स होंगे हम उसको जो है कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भाई इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं फास्ट एंड फॉरवर्ड। दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो चुका है, तो देखिए यहाँ पे स्कोर निकल के आ चुका है। Poco F1 स्कोर करता है 271,951 और वहीं Redmi Note 7 Pro स्कोर करता है 174,863। यहाँ पे CPU का स्कोर देखिए, दोनों में भाई Redmi Note 7 Pro का ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पे GPU का स्कोर देखिए भाई, यहाँ पे Poco F1 का GPU बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं दोनों के स्कोर के बीच में डिफरेंस, और साथ ही साथ में जो UX है वो भी आप देख सकते हैं भाई Poco F1 में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन भाई CPU के मामले में Redmi Note 7 Pro बेहतर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेमोरी का रिजल्ट आता है, रैम का स्कोर और जो है रोम का भी स्कोर, दोनों में ही Redmi Note 7 Pro ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, अप्रॉक्सीमेटली उसका डबल जो परफॉर्म करता है। तो इसीलिए भाई यहां पे Redmi Note 7 Pro बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि Redmi Note 7 Pro कहां कहां पे बेहतर और कहां कहां पे वो पीछे रह जाता है Poco F1 से। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पे, और हमको सपोर्ट करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया Redmi Note 7 Pro के, तो भाई जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप हमारी गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों डेट वॉज ऑल फ्रॉम द गीकी मॉम, थैंक यू।